हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल रेगुलेशंस। ठीक है, अब क्या था जब ये सारे रेगुलेशंस बने थे, रूल्स और रेजुलेशंस बने थे, तो क्या हुआ एनवायरमेंट के लिए भी रूल्स निकाले गए। क्योंकि क्या होता था, ज़्यादातर इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है, कहीं भी वर्क प्लेस पर वर्क चल रहा है, पर जो एनवायरमेंट को उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है इन पर कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, रूल्स निकाले गए कि कोई भी काम चल रहा है उसके लिए रूल्स रहेंगे एनवायरनमेंट के। तो उसी के लिए ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया रहा, जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थी। ठीक है, उसमें ये बोला गया कि प्रिवेंशन आपको कंट्रोल रखने के लिए, वाटर पॉल्यूशन हो, कोई भी तरीके का पॉल्यूशन हो अगर हम देखते हैं, तो उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं इंडस्ट्री को वो फॉलो करनी होंगी। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना कर पाए। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल सारे बनाए गए। ठीक है, तो ये किसके थ्रू बनाए गए, गवर्नेंस के थ्रू बनाए गए, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के थ्रू बनाए गए। ठीक है, इनके अंदर यही बताया गया था कि होने वाले जो पॉल्यूशंस है, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूशंस है, उनकी वजह से कोई हार्म ना हो, तो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगी कि अगर आपकी ये इंडस्ट्री है, यहाँ से अगर धुआं निकल रहा है, धुएं से एयर पॉल्यूट हो रही है, तो आपको ये सारी पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी। पॉलिसीज़ के अंदर जो जो सिस्टमेटिक वे बताया गया है उनसे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है उन्हें इंडिया में ये रूल निकाले, जिनकी वजह से अभी हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1986 था, इसमें पूरा प्रोटेक्शन बताया गया। ठीक है, रूल्स उसके बताए गए 1986 में, फिर वाटर प्रिवेंशन का बताया गया 1977 में, ऐसे ही एयर का भी बताया गया 1977 में, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स बताए गए थे। ठीक है, 1986 में जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए, वो बनाया गया था 1986 में, इसीलिए बनाया गया था ताकि होने वाला जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से वो हार्म ना हो, उनको कोई हार्म ना हो पाए, इस वजह से ये सारे एक्ट बनाए गए थे। ठीक है, और देखिए एनवायरमेंटल गवर्नेंस ने एक रूल और निकाला था जो कि आर्टिकल 51A में बताया गया है, हालांकि लोग इसे फॉलो नहीं करते, पर ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है, जिसमें कहा गया है हमें, हमारी सबकी, सभी सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जंगलों को प्रोटेक्ट करें, लेक्स को प्रोटेक्ट करें, रिवर्स को प्रोटेक्ट करें और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। अगर हम सभी एक साथ ये सारा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पर आजकल कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, सबको बस अपना एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन रखना है, वर्क प्लेस करना है एक्सीडेंट से सेफ, पर बाकी जो फॉरेस्ट हैं इन सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर क्या था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हम सभी की, कि हम अगर साथ मिलके ये सारी चीज़ें करें तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने ही रूल निकाला था जो कि आर्टिकल 51A में बताया गया है। ठीक है, अब बात हमने एयर की कर ली, फॉरेस्ट की कर ली, सभी की हो गई, वाटर भी अब इसके अंदर आया। वाटर क्वालिटी भी जो है वो देखिए क्या होता है, लोगों की इंडस्ट्री से जो डर्टी वाटर है वो क्या करते हैं, सीधे उसमें रिवर्स में उसे ड्रेन आउट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो रिवर्स हैं वो केमिकली, जो पानी है वो सारा केमिकल का हो जाता है, वाटर जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं रहता है, पीने के लायक भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो एटलीस्ट। क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा तो हम सेफ़ रहेंगे, तो हम अगर एनवायरनमेंट ही सेफ़ नहीं रखेंगे तो हम कैसे सेफ़ रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें तो अपनी लीगली बोली गई हैं, इसीलिए लीगल कंप्लायंसेस बनाए गए इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग सब हल्के में ले रहे थे। अब क्या है, लीगल कंप्लायंसेस जो हैं उनको फॉलो करते हैं, अगर लीगल कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं और जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो इंस्पेक्शन टाइम पे वो इंडस्ट्री जो है सेफ़ रह सकती है। पर इनकेस अगर लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पर, इनकेस इंस्पेक्शन हो गया तो जो इंडस्ट्री है हो सकता है वो सील आउट भी हो जाए, है ना। तो देखिए जो सारी चीज़ें हैं, जो नियम बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि
ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से नहीं चल रही थी, पर जब एक्सीडेंट देखे गए, इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है, तब ये सारी चीज़ें की गई। अब जब की गई हैं तो हमें भी तो उन पर ध्यान देना पड़ेगा ना, कि हम कैसे खुद को सेफ़ रखें, कैसे वर्क प्लेस को सेफ़ रखें। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि आप अपने वर्क प्लेस को सेफ़ तो रख रहे हैं, पर क्या उसके वातावरण को, बाहर के पर्यावरण को सेफ़ रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, शो करती हैं कि आप अपने वर्क प्लेस को सेफ़ रखने के साथ साथ बाकी लोगों के लिए कितना केयरफुल हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए कितना केयरफुल हैं। तो ये जो है, ये लीगल कंप्लायंसेस में बताया गया है, एनवायरमेंटल कंट्रोल रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उनके अंदर यही बताया गया है कि हर तरीके से जहाँ भी एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट के लिए आप कर सकते हैं, एनवायरमेंट सेफ रखने के लिए कर सकते हैं, वो सारी आपको जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, जो भी वर्किंग के लिए SOP बना रहे हैं, वो किस तरीके से आप रखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको वाटर के बारे में बता दिया। अब हजारडियस वेस्ट का भी रहता है, जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाले हजारडियस वेस्ट रहते हैं, उनको भी कहाँ हमें रखना है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अलग ही इनका एक प्रोसीजर रहता है, उसे आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। और उसके बाद ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया गया था 1927 में, जिसमें आप फॉरेस्ट को जो है कैसे सेफ रख सकते हैं, उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ वगैरह बताई गई थी, ठीक है। उसके देखिए, और ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ और है जिसको बोला जाता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो मैंने आपको बताया 1927 में था। ये पब्लिक लियेबिलिटी इंश्योरेंस रूल और एक्ट, ये भी 1990 में और 1991 में थे, ठीक है। इनमें क्या था, देखिए, जो भी आप वर्क प्लेस पे हैं उनमें सेफ्टी रखने के साथ साथ आपको अपने एनवायरनमेंट का सेफ्टी रखने का बहुत ध्यान रखना है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और जो भी आप रख रहे हैं, जो भी आपने वर्क प्लेस पे जो भी आपने SOP बनाई है, तो क्या वो इंश्योर कर रही हैं सेफ्टी को, क्या सेफ्टी से वो बिल्कुल अटैच्ड हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, ये जो टॉपिक था वो आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, एनवायरमेंटल कंट्रोल रेगुलेशन से था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आप एनवायरनमेंट को सेफ़ रखें, एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा तो आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।